मैं बलविंदर कुमार गांव ब्याना से, तहसील इंद्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल। हमारे यहाँ पर संजीव कुमार, जो अभी कुछ समय से मधुमक्खी का पालन किया था इन्होंने, संजीव व अमित जो कलरी से आएगा लड़का, इन दोनों ने मिलकर काम साझा किया था कुछ ही दिन पहले, 4-5 महीने पहले लगभग। और इनके बॉक्स जो गांव ब्याना में नहर है, जो अवर्धन नहर, इसके पास रखे थे जी। और रात को चक्कर भी लगाते थे, लेकिन चोरों ने इनके बॉक्स उठा लिए, स्टैंड और ढक्कनी ही छोड़ गए। ये देखो दोस्तों कितना बड़ा नुकसान कर गए। ये कई दिन से तलाश में फिर रहे थे, पहले भी ये हमारे बॉक्स उठाने के चक्कर में आए थे हमारे बॉक्स पर। मैं बलविंदर कुमार, मंडी के पास हमारे बॉक्स रखे थे, लेकिन हम रात को, पूरी रात को वहाँ पहरा देते थे, इसलिए हमारे बॉक्स बच गए। वे आए भी थे, लेकिन हम वो बॉक्स उठाने में कामयाब नहीं हुए थे और बाज गए थे। लेकिन अब उन्होंने लगातार वारदात को अंजाम देते हुए दूसरी जगह गाँव में नमी बॉक्स चोरी कर लिए, और जो 10-10 प्रेमी बॉक्स थे वो सारे उठा ले गए, और इनमें से जो कम बॉक्स थे उनको छोड़ गए। ये देखो जैसे एक कम बॉक्स है, इसको यहीं छोड़ गए। और जो पूरे 10 प्रेमी बॉक्स थे उनको सबको उठा ले गए, और स्टैंड ढक्कन यहीं गिर गए। ये देखो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान करके, देखो ऐसे ऐसे डब्बे गेयर का भागे, बस हालत ख़राब ही करके पूरे रास्ते में डब्बा ही डब्बा पड़ा हुआ है इसमें, जहाँ पर हमने GPS के माध्यम से छापा मारा। वैसे रात ही हमने कवर कर लिया था अपना घटना, यो GPS का इतना तगड़ा लाभ हुआ, लेकिन वे GPS के डर की वजह से डब्बे फेंकते चले गए। सारे रास्ते में ऐसे ही हाल है, मक्खी का तो बस नुकसान ही हो गया, डब्बे तो ख़त्म ही हो गए। जो भी कुछ है सब भाई अपने फार्म पर सतर्क रहे, चोर गिरोह तकड़ा एक्टिव है, नवे लड़के एक्टिव हैं। हम ज़्यादा उम्र के लड़के नहीं थे, 20-22 साल के लड़के थे सारे। हाँ गाड़ी कोटला गांव में, कोटला गांव की घटना है, या नूह में गांव पड़ता है कोटला, ये देखें। साथियों नमस्कार, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों आज का जो विषय है हमारा वो बहुत ही शानदार है, जो कि हर बी कीपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों आजकल जो मधुमक्खियों की चोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी है और बहुत सारे लोग जो हैं बिना काम किए बहुत सारा मुनाफा चाहते हैं बिना मेहनत किए। तो कुछ ऐसे लोग जो चोरी करने में विश्वास करते हैं, वो लोग आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो कहीं ना कहीं से चुरा ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो साथियों उन नुकसान को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी मधुमक्खियों को चोरी होने से बचाएंगे, उसी के बारे में आज की ये वीडियो है। तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो अपेरी है सबसे पहले तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आपकी मधुमक्खियों की देखभाल के लिए कोई ना कोई उपलब्ध हो। जब आप मधुमक्खी के स्थान का चुनाव करते हो कि आपने कहाँ पर रखनी है, तो उसी समय आपको ये निर्णय लेना होता है कि आपकी चोरी होने की संभावना कितनी है। तो साथियों अगर कोई ऐसा रास्ता, मेन रास्ता जहाँ से मधुमक्खियाँ होकर के जाती हैं, उस रास्ते पे कोई आपका नॉन है तो उसको आप बता के रख सकते हो कि इस तरफ मेरी मधुमक्खियाँ हैं, और अगर इधर से कभी बिना जानकारी के आपको मधुमक्खियाँ कोई ले जाता हुआ दिखाई दे हमारी, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हो, और उनको ये भी बताएं कि अगर हम मधुमक्खियाँ उठाएंगे
तो आपको इस बात की जानकारी देंगे, अदरवाइज कोई भी अगर मधुमक्खी उठाता है तो आप उसको रोकेंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी इन्फॉर्मेशन अपने जो जानकार है अगर कोई उसके साथ रिलेशन बना करके अच्छे तो उसको कर सकते हैं। तो साथियों इसके अलावा जो अनावश्यक जानकारियां होती हैं, जैसे मधुमक्खियां कहां पे रख रहे हैं, अगर उसकी जानकारी आप अनावश्यक रूप से बहुत सारे लोगों में बांटते हो और बहुत सारे लोगों को ये बताते हो कि मैंने वहां मधुमक्खियां रखी हुई हैं, तो उससे भी चोरी होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिसमें बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो कब घर जा रहे हैं, कब अपनी अपैरी में आ रहे हैं, तो उसका भी एक संतुलन बना के रखें कि आपने किस किस व्यक्ति को ये बात बतानी है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब आपकी मधुमक्खियां चोरी होती हैं तो आप वहां पे भी कॉलोनी के अंदर नहीं होते हैं, वहां अपेरी के आसपास नहीं होते हैं, तो इसकी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से उस व्यक्ति को पता रहती है, तभी चोरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि वैसे ही बिल्कुल अनजान जगह पर जा करके कोई चोरी करना इतना आसान काम नहीं होता। तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अनावश्यक रूप से कहीं पे भी अपनी जो अपेरी है, अपनी जो मधुमक्खियों का स्थान का आपने चुनाव कर रखा है, उसकी बिल्कुल डिटेल आप किसी व्यक्ति को ना दें जो कि इस चीज़ का कारण बन सकता है कि आपकी मधुमक्खियां चोरी हो सकें। तो साथियों इसके अलावा आप एक टीम बनाएं जिसमें आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो आसपास के अगर लोग हैं तो उसके साथ मिल करके आप सामंजस्य बिठा सकते हैं कि जब आप मधुमक्खियों में जा रहे हो तो आप उनकी मधुमक्खियों की देखभाल कर लें, और जब वो कहीं पे जा रहे हैं तो आप उनकी मधुमक्खियों की देखभाल करें। तो इस तरीके से आपसी ये सामंजस्य आप सब आपस में बिठा सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से चोरी का जो एक और रोकने का जो बहुत बढ़िया समाधान आज के टाइम में एक टेक्नोलॉजी है जिसको GPS टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी बहुत छोटे आ रहे हैं जिसको आप कुछ दिनों तक चार्ज करके उसको अपनी अपैरी के अंदर रख सकते हो, अपने बी बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं सेट करके रख सकते हो, जिसकी वजह से जब भी आपकी मधुमक्खियां चोरी होंगी अगर उन चोरों को आपके GPS इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन अगर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं वो, तो उसको आप आइडेंटिफाई करके के उन चोरों को आप आसानी से पकड़ सकते हो। साथियों लेकिन आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी सभी को हिसाब होता है कि सभी को पता है कि आजकल GPS टेक्नोलॉजी अगर किसी ने यूज कर रखा है तो उससे जो है नुकसान हो सकता है चोरों को भी, तो वो भी सावधान रहते हैं। तो आप किस कैसे चतुराई से आप उसके इंस्ट्रूमेंट को लगाते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी मधुमक्खियों को किस प्रकार से सेव रख सकते हो। साथियों ये मेरे पास जो नॉलेज थी जिस हिसाब से हम मधुमक्खियों को बचा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथियों आप सबके पास भी इस तरह की कोई जानकारी है जिसकी वजह से हम मधुमक्खी की जो चोरी है, जिसमें मधुमक्खियों की जो अपेरीज है, जो कॉलोनी है, मधुमक्खियों को ही डिब्बे ही उठा कर ले जाते हैं, तो उसको रोकने का अगर आपके पास कोई कारगर तरीका है तो आप सब कमेंट करके हमें बता सकते हो ताकि हम एक उस विषय पे भी वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकें और लोगों को जानकारी मिलेगी, और जानकारी होने से आपकी जो मधुमक्खियों की चोरी है वो रोकी जा सकती है और लोगों को इसका लाभ हो सकता है। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।